खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संविधान की शपथ की कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद ने संविधान की शपथ को फिर से बनाया है नंबर वन शो, और हमारी ये कोशिश रहेगी आगे भी आपका साथ यूं ही बना रहे। तो अब आज के मुद्दे के बारे में आपको बताती हूं। पहले नागरिकता कानून में संशोधन के बाद एनआरसी का डर, और अब एनपीआर को लेकर फिर से एनआरसी का डर। हालांकि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि एनपीआर किसी भी तरह से एनआरसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी विरोधी पुराने दस्तावेज पेश कर रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जब हमने दस्तावेज खंगाले तो यह भी सामने आया कि संसद में एक बार यूपीए की तरफ से, एक बार एनडीए की तरफ से यह कहा गया कि एनआरसी की ओर पहला कदम है एनपीआर। हालांकि सरकार कह रही है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार किसी से एनपीआर में कोई कागजात नहीं मांगेगी, जो जनता कहेगी उसी पर भरोसा करेगी सरकार। तो फिर सवाल ये कि एनपीआर पर डर है या डराया जा रहा है? वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं पश्चिम में होता है। नागरिकता पर बहस जारी, अब आई एनपीआर की बारी। जो एनपीआर ले आए ये तो हम भी चाहते थे, पर इसके साथ कोई एनआरसी नहीं जुड़ा। जो ये जोड़ के ला रहे हैं ये इसकी नीयत साबित करती है। जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी ऐसा कोई कानून हो ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। एनपीआर को लेके बोल रहे हैं कि 8,500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देश का कानून है कि हर 10 साल में सेंसस होता है। 8,500 करोड़ रुपए किस ठेकेदार के लिए खर्च होने वाले हैं? एनपीआर में विरोधियों को दिख रहा है एनआरसी। एनपीआर पहला कदम एनआरसी की तरफ, और यही एनआरसी होगा। तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर क्यों मिसलीड कर रहे हैं नेशन को? पोली सरकार एनआरसी के लिए नहीं हो रहा एनपीआर। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है। एनपीआर पर डर है या डराया जा रहा है? तो ये सवाल है कि एनपीआर पर डर है या डराया जा रहा है। खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ अकाली दल से प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी भी जुड़ेंगे, और साथ ही देखिए कांग्रेस के नेता सलमान निजामी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जो मुद्दा हमारा आज का संविधान की शपथ में एनपीआर को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार है, खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि एनपीआर और एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। जरा गृहमंत्री अमित शाह को बयान सुनिए, उसके बाद मैं चर्चा शुरू करूंगी। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रिया है। तो सुना आपने, गृहमंत्री कह रहे हैं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के इस्तेमाल में नहीं आ सकता, ये अलग प्रक्रिया है। लेकिन हम रुक करते हैं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, सवाल ये कि चाहे सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स हों या फिर सरकार ही की एनुअल रिपोर्ट्स हों, उनमें ये बात लिखी गई है कि एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है। अब मैं चाहती हूं गौरव भाटिया कि आप देश को बताएं, लिखे हुए को माना जाए या गृहमंत्री के कहे हुए को माने देश? रोमाना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहता हूं, चाहे एनपीआर की प्रक्रिया हो चाहे एनआरसी की प्रक्रिया हो, इस पे देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि एक इच्छा शक्ति वाली सरकार आई है जो ऐसे ठोस कदम उठा रही है जो संवैधानिक भी है, न्याय की दृष्टि से, कानून से भी जो है पूरी तरह से पालन करते हुए आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
और जो गृह मंत्री ने कहा और जो कानून में है उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, आपने जो पहले बात कही सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कहीं बात से कहीं और भ्रम तो नहीं फैलेगा, क्योंकि आपने कहा चाहे एनपीआर हो चाहे एनआरसी हो, देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि सरकार ठोस कदम उठा रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री सामने आकर ये कह रहे हैं कि एनआरसी को लेकर सरकार ने 2014 से लेकर अब तक कुछ भी नहीं किया है, सोचा विचारा तक नहीं है, और आप यहां एबीपी न्यूज पर बैठकर देशवासियों को कह रहे हैं कि उनको गर्व होना चाहिए सरकार ने एनआरसी पर ठोस कदम उठाया। मुझे लगता है भ्रम ना फैले, इसलिए मैंने आपको टोक दिया गौरव भाटिया। नहीं, आपने टोका कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी पूरी बात हो जाने देती तो शायद कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना होती, लेकिन आपने टोका, वो आपकी जिम्मेदारी का परिचय देता है रोमाना जी। और मुझे अब थोड़ा सा समय दीजिए तो दर्शकों के लिए भी मैं ये समझाना चाहता हूं। देखिए, गृह मंत्री ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। एनपीआर क्या है? एनपीआर जो है वो ये दर्शाता है कि हमारे देश में यूजुअल रेजिडेंट जो 6 महीने से देश में है और आगे 6 महीने कौन रहना चाहता है उसका एक रजिस्टर है। सेंसस से पहले यह लाया जाता है। कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से इसका प्रारूप तैयार हुआ और जब 2010-11 में यह प्रक्रिया करी गई तो कांग्रेस की सरकार में यह तब भी हुई थी। कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी एक बात कही जो अमित शाह जी ने कहा उसी की तहत पे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई दस्तावेज प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अहम बात यह है यह वॉलेंटरी है, इसमें सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती है कि यह किया जाए, जबकि एनआरसी के लिए, और यही बात अमित शाह जी कह रहे थे, आप अगर कानून देखें तो रूल 6 में एनआरसी की शुरुआत तब हो सकती है जब एक नोटिफिकेशन हो। रोमाना जी, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी एनआरसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इस पर चर्चा नहीं हुई है। जो लोग एनपीआर के साथ इसको बराबर से इक्वेट करते हैं वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हर 10 साल में एक बार होना अनिवार्य है। यही सिटीजनशिप एक्ट कहता है, यही सेंसस एक्ट कहता है। तो मैं इतना, गौरव भाटिया, मैंने जो सवाल पूछा था सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से पूरा जवाब दिया, लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी, आपने जो कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि एनपीआर और एनआरसी में कनेक्शन है, अब वो जो लोग हैं मैं उनका यहां पर जिक्र करना चाहती हूँ सर। ये आधिकारिक वेबसाइट है archive.india.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट है सर, जिस पर ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है। सर, ये गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट, सुन लीजिए, सालाना रिपोर्ट गृह मंत्रालय की 2018-2019 की, जिसके चैप्टर 15 के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। इसके अलावा संसद के भीतर खड़े होकर 2014 में तब के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू देश को यह बताते हैं कि एनपीआर एनआरसी के लिए पहला कदम है। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रही हूं सर कि लिखे हुए को माना जाए, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लिखे हुए को मत मानिए, आप गृह मंत्री की बात को मानिए, तो मैं आपसे आगे सवाल पूछ लेती हूं कि अगर गृह मंत्री की बात को आप मुझे कह रहे हैं या देश को कह रहे हैं कि माने, तो किस आधार पर, क्या एनपीआर में कोई बदलाव करने की मंशा सरकार की है? आप प्लीज ये क्लैरिटी दीजिए। मैं आपको बताता हूं किस आधार पर। रोमाना जी, धन्यवाद कि आप ये प्रश्न पूछ रही हैं और पूरी जिम्मेदारी से मैं उत्तर भी दे रहा हूं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा और जो कानून है उसमें कोई विरोधाभास है नहीं। आप 2014 के एक उत्तर पे जा रही हैं। 2014 से 2019 तक बहुत से बदलाव भी आए हैं और आप मुझे बताइए एनआरसी का प्रारूप ही अभी तक नहीं आया है, तो कैसे आप कह सकती हैं कि एनपीआर का डेटा लेने के लिए बाध्य है सरकार? ये नीति क्या प्रारूप होगा ये तो सरकार तय करेगी। और लिखित कानून क्या कहता है, मैं आप बार बार कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ सर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सरकार की रिपोर्ट ये कहती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये लिखा गया सर। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, archive.india.gov.in पर ये साफ तौर पर लिखा गया है, द क्रिएशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ एनआरआईसी। बताइए आप ये क्यों लिखा हुआ है सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर? अब मैं उत्तर दे रहा हूं। दो बिंदु हैं और ये आपका उत्तर भी है, सुनिए कानून क्या कहता है। रूल 6 पढ़ रहा हूं दर्शकों के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी, शायद कोई और कानून आपके प्रोग्राम में रखे भी ना, आपके कार्यक्रम का नाम
संविधान की शपथ है, हमें बात कानून और संविधान की करनी चाहिए। यह रूल एनआरसी के लिए क्या कहता है सुन लीजिए। यह कहता है द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन शैल बाय ऑर्डर नोटिफाई द डेट ऑन विच द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन शैल बी इनिशियलाइज थ्रू आउट द कंट्री। तो जब तक यह नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक एनआरसी की प्रक्रिया चालू ही नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही, अभी एनआरसी का प्रारूप ही नहीं आया, कौन से आइडेंटिफिकेशन माने जाएंगे, कौन से नहीं मांगे जाएंगे, कैसे कोई सिटीजन और नॉन सिटीजन में फर्क होगा, ये आ तो जाए। और ये जो एनपीआर की एक्सरसाइज है, ये सेंसस आपको फाइनलाइज करने से पहले करनी जरूरी है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भी ये हुई, पी चिदम्बरम जी ने कहा कि ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा मेरे पास एक पत्र भी है, मैं पढ़ दूंगा, जिसमें 2010 और 11 में एनपीआर की ही एक्सरसाइज करी थी, तब ओएसी जी कहां थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी कहां थी, प्रदर्शन क्यों नहीं किया। मैं जवाब ले रही हूं सर, मैं तो जवाब ले रही हूं आपसे, तो बस मैं इतना जानना चाह रही थी कि खुद सरकार की तरफ से ही तो, मतलब किरण रिजिजू आपकी सरकार की रिपोर्ट उनमें ये लिखा हुआ है ना सर, इसलिए भ्रम फैलता है। लेकिन अब जो आप विपक्ष को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, आप सर विपक्ष को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार अगर आप नहीं समझेंगे सर, मैं तो एनपीआर को लेकर समझना चाह रही हूं, मैं तो सीधे सीधे एनपीआर को लेकर समझना चाह रही हूं। आप एनपीआर के हर जवाब में एनआरसी लेकर आ रहे हैं गौरव भाटिया, मैं नहीं ला रही हूँ, एनपीआर को लेकर मैं सवाल पूछती हूँ, आप एनआरसी लेकर आते हैं, ठीक है सर। तो अब मुझे विपक्ष के पास जाने दीजिए, अब मोहम्मद सलीम के पास मैं चलती हूँ। मोहम्मद सलीम क्या विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी एनपीआर में कोई कनेक्शन नहीं है, बताइए। विपक्ष की कोई जरूरत है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो अलग शब्द में बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अलग अलग जगह पर अलग बात कर रहे हैं। और फिर गौरव भाटिया कहे 2014 से 2019 तक बहुत कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि उनके स्पोक्समैन ही बदल जाते हैं, स्पोक्समैन अपनी पार्टी बदल देते हैं, लेकिन कानून दस्तूर और नियम और रूल और सरकारी जो आंकड़ा है वो पार्लियामेंट में जो रखा जाता है आप उसके ऊपर भरोसा करें। आपने सही कहा रुमाना जी, तो जहां पे गृह मंत्री खुद कहे हैं कि ये सब लिंक्ड है, ये एक ही मेगा सीरियल का अलग अलग एपिसोड है, और इसलिए ही गौरव भाटिया को इतने शब्द बोलना पड़ रहा है इससे बच के निकलने के लिए। लेकिन हकीकत तो ये है, एक ये जो कहते हैं कि यूपीए के जमाने में हुआ इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर हो गया है कि यूपीए जो किया हम वही करते हैं, तो फिर बदलाव क्या है? दूसरी बात यह है, 2003 में जो कानून में संशोधन हुआ था उसके वजह से एनआरसी या एनपीआर का मामला आया। बाद में 2010-11 में यूपीए के जमाने में बेशक हुआ एनपीआर, लेकिन वो एनआरआईसी का पूर्व शर्त नहीं था। इसलिए जब 14-15 में एनपीआर फाइनलाइज किया गया डेटा इनके जमाने में, वहां एनआरसी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन आपने सही कहा, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम अफेयर्स एट दैट टाइम उन्होंने कहा कि एनपीआर के डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा एनआरसी के लिए। अभी भी जो ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, जो मैनुअल्स है या जो क्वेश्चनेयर्स तैयार किया गया है एनपीआर के लिए उसमें देखिए। और मुंबई में अमित शाह जी जब प्रेस को बता रहे थे कि इस बार का सेंसस, इस बार का एनपीआर क्या होगा, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब डेटा हम लेंगे, नए तरीके से लेंगे, और वो डेटा कई तरीके का इस्तेमाल में आएगा। तो एनपीआर जो है वो इनपुट है और एनआरसी जो है वो आउटपुट है। ये इनपुट को दिखा रहे हैं, आउटपुट को नहीं दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सरकार को ऊपर जनता की भरोसा। मुझे राजीव रंजन जी का भी रुख करना है, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। जेडीयू के नेता है राजीव रंजन जी, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजीव रंजन जी, आपको लग रहा है क्या कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी आपने सर लेट ज्वाइन किया ये डिबेट, मैं शुरू में ये बता रही थी यहां पर कि किस तरीके से जो लिखा हुआ है सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स पर सर, गृह मंत्रालय की मैंने 2018-2019 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको कोट किया सर, मैंने तब के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के संसद में दिए गए बयान को कोट किया सर, और सब में यह कहा गया कि एनपीआर जो है वो पहला कदम है एनआरसी के लिए। अब गृह मंत्री सामने आते हैं और वो कहते हैं कि एनपीआर और एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू को क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है, कनेक्शन है या नहीं है, किसको मानेंगे आप लोग, लिखे हुए को मानेंगे या कहे हुए को मानेंगे? राजीव रंजन जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है एनआरसी को लेकर के पहले जो रवैया रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बदलाव दिख रहा है। किरण रिजिजू ने जिस समय कहा, निश्चित तौर पर इनके एजेंडे में एनआरसी रहा होगा, और इसीलिए चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर हो या किरण रिजिजू ने जो कहा वो एबोएस होम के तौर पर,
तो मुझे लगता है उसकी वजह यह रही होगी। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा, और कल अमित शाह जी ने काफी विस्तार के साथ एनपीआर और एनआरसी को लेकर के जो खुलासा है वो उन्होंने किया, और बिल्कुल साफ साफ कहा कि एनपीआर का उससे कोई लेना देना नहीं, और ये अगस्त महीने तो में सर, आपको क्या लगा बजट नोटिफिकेशन हो चुका है? आप कन्विंस हैं तो आप मुझे बताएंगे कि एनपीआर को आप क्या क्या समझ पा रहे हैं? एनपीआर हम कन्विंस नहीं है। हम एनपीआर को जहां तक हम समझ पा रहे हैं और जो चीजें बताई गई हैं वो नेशनल ये पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए इसको बताया गया है, और इसमें जो भी दो फर्क है जो सेंसस और इसके, ये बड़े फर्क हैं कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सेंसस में इससे ज्यादा सवाल होंगे, सेंसस के फॉर्मेट में इससे ज्यादा सवाल होंगे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर बायोमेट्रिक कोई इसमें ये उनको बायोमेट्रिक कोई उनको देना नहीं पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो प्रोसेस से उनको नहीं गुजरना होगा, और साथ ही साथ उनको कोई जी कन्विंस्ड क्यों नहीं है आप कह रहे हैं हम, और साथ ही साथ उनको अपने पहचान का कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। देखिए हम कन्विंस तो इसलिए कि अभी इसकी शुरुआत हुई है, कल मैं एक डिबेट में था जहां मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, दरअसल एनआरसी की वजह से देश में काफी शोर शराबा है और भय है, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि जहां तक एनपीआर का सवाल है तो ये यूपीए की सरकार में इसको बाजाब्ता नोटिफाई करने के बाद इस एनपीआर की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, और उसके बाद 2015 में जब नई सरकार बनी उस समय भी एनपीआर एक बार हो चुका है, लेकिन अगर एनआरसी नहीं किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा है तो एनपीआर को पूर्व की एनपीआर की तरह ही समझा जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं सर, लेकिन अभी आपके सहयोगी गौरव भाटिया, उन्होंने जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो मैंने हालांकि उनको टोक भी दिया था, तो उन्होंने इस बात से कि देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि एनआरसी एनपीआर जैसे मामलों में सरकार ठोस कदम उठा रही है। सर आपने एनआरसी को यहां पर खारिज कर दिया, जेडीयू नहीं चाहती है एनआरसी आए। मैं आना चाहती हूं अब सलमान निजामी के पास, और सलमान मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनपीआर जो है वो एनपीआर सेंसस की एक प्रक्रिया भर है, तो अगर ऐसा ही मामला है तो फिर असम में ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है? देखिए बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं जिनके पास खुद डिग्री नहीं है, जिनको खुद फुल फॉर्म नहीं मालूम होगी एनपीआर है क्या। सबसे बड़ी चीज है जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया उस पर गौरव भाटिया ने जवाब नहीं दिया, आपने चार बार पूछा लेकिन सही जवाब नहीं मिला आपको, क्योंकि इनको खुद मालूम नहीं है कि इनको खुद मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं, होम मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट देते हैं। जब आप होम मिनिस्टर को वॉर डिक्लेयर करना होता है उसको कोई डॉक्यूमेंट में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट जो होता है अगर उसने पब्लिक मीटिंग में यह कहा, उसने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा, एनआरसी पे होम मिनिस्टर ने टीवी डिबेट में कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, यह हिंदुओं पर भी लागू होगा, सिखों पर भी लागू होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने पहले किया, और दूसरी ये बात है कि ऐसे कानून आपको क्यों लाने पड़ते हैं जिससे लोगों की जाने चले जाएं। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाया, 250 से ज्यादा लोग जो है मारे गए, और आज 30 के करीब लोग मारे गए, और आज ये कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लाई। फिर अमित शाह जी क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या वो जिम्मेदार नहीं है जो लोग बेकसूर मारे गए और आज उनको कहा जाता है कि आप पे हम कार्रवाई करेंगे, उनके परिवार को हरास किया जा रहा है? क्या इन ऐसे कानून क्यों लाए जाते हैं जब हमारे लोग परेशान हो? कश्मीर में 370 उठा, एक भी कश्मीरी खुश नहीं है, आज वहां इंटरनेट रिस्टोर नहीं हो रहा है, देश में माहौल जो है इस वक्त क्या है, अमन कहीं भी नहीं है, लोग सड़कों पर, सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू सिख ईसाई और सब लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि हमसे आज हमारी पहचान पत्र मांगा जा रहा है, और वो लोग मांग रहे हैं यहाँ पर दर्शकों की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं ना ये दिखा भी रही हूँ दर्शकों को, ये ग्राफिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि एनपीआर में पहले जो होना था क्या होना था, वो ये ग्राफिक्स सिलसिलेवार आपके सामने चल रहे हैं, और अब क्या संभावना जताई जा रही है, और यह संभावना किस आधार पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिस तरीके से कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए कोई आपको बायोमेट्रिक अपनी पहचान नहीं देनी पड़ेगी, किसी तरीके का कोई सत्यापन नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट सरकार पे जब भरोसा ही नहीं है लोगों ने, एक मिनट मैं गौरव भाटिया, मेरा सवाल यह है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं बार बार, आप भी कई बार जिक्र कर रहे हैं, अभी जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन ने भी जिक्र किया, आप लोग यूपीए की बात करते हैं, 2010 की बात करते हैं, 2011 की बात करते हैं, लेकिन ये एनपीआर तो बदल गया, जो 2010 में प्रक्रिया थी उसमें तो अब बदलाव हो गया,
ये जो नई प्रक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि 2010 वाली प्रक्रिया में तो आपको अपनी बायोमेट्रिक शिनाख्त भी देनी थी, वहां पर सत्यापन भी होना था, वहां पर डुप्लीकेशन भी चेक होना था, वो सारा प्रोसेस तो यहां पर कटआउट हो गया। खुद प्रकाश जावड़ेकर ने कल ये कहा कि सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा आपको, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप प्लीज इस देश को बताइए गौरव भाटिया, ये कंफ्यूजन आप नागरिकों का दूर कीजिए। ये एनपीआर जो मोदी सरकार के समय में हो रहा है, ये यूपीए सरकार वाले एनपीआर से फर्क है क्या गौरव भाटिया? चलिए रोमाना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं सुन रहा था मोहम्मद सलीम जी हो चाहे वो सलमान निजामी हो, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते, कम से कम उनके नेता ही आने लगे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने एक बार नहीं बताया कि मनमोहन सिंह जी ने एनपीआर करवाया तो ठीक था, पी चिदम्बरम ने करवाया तो ठीक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी कानून के तहत, ये कांग्रेस जो करेगी वो हम करेंगे ये बात नहीं है। देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है एनपीआर होना चाहिए। आज हमारी सरकार करा रही है। गौरव भाटिया एक सेकंड आपको रोकूं, गौरव भाटिया एक सेकंड आपको रोकूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो बार रोकिए गौरव भाटिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक मिनट से प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक सेकंड, आज इन्होंने उस पे मेंशन किया कि आपके मां-बाप हिंदुस्तानी हैं या नहीं। सलमान निजामी साहब प्लीज, अभी कोई परफॉर्मा आया नहीं है सामने, हमें यहाँ पर बैठकर कयास नहीं लगाने चाहिए। मैं एक मकसद से ये शो करती हूँ सर, कि दर्शक जो अपना एक घंटा एबीपी न्यूज को देख रहा है वो इस मुद्दे पर कुछ समझ बना कर जाए। प्लीज, आप जो बात कह रहे हैं सर उसकी कहीं से अभी पुष्टि नहीं हुई है, कहीं से पुष्टि नहीं हुई है कि जन्म स्थान मां बाप का मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। ये सब कयास है, हवाओं में बातें चल रही है। मैं यहां फैक्ट पर बात करना चाहती हूं। गौरव भाटिया, मैंने आपको जो रोका, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा आपसे कि बार बार एनपीआर में आप लोग यूपीए का जिक्र करते हैं सर, 2010-2011 का जिक्र करते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं 2013 में यही यूपीए सरकार थी जिसने कहा था, जिसके गृह मंत्रालय ने कहा था कि क्लैश हो रहा है इस एनपीआर की वजह से आधार के साथ, इस वजह से इस पर अभी रुकते हैं, जीओएम बनेगी और उसके बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ये आधा सच क्यों बताते हैं देश को सर? मैं आपको नहीं, मैं आधा सच नहीं बता रहा, आपको जानकारी आधी है रोमाना जी। जो क्लैश हो रहा था उसी क्लैश को दूर किया, आधार कार्ड को लेजिस्लेटिव बैकिंग दी, कानून लाए, कोई नोटिफिकेशन से नहीं हुआ जैसा कि कांग्रेस सरकार में होता है। हमने रूल्स अमेंड किए और उसके बाद सुधार करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कोई क्लैश ना हो। दूसरी अहम बात सर, कोई बताएंगे कोई सर, 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 जब आधार आ गया तो फिर अब एनपीआर की क्या जरूरत? यही तो सवाल है लोगों के मन में कि जब आधार आ गया, 96% से ज्यादा आबादी इस आधार से कवर्ड है, आधार में बायोमीट्रिक, आपकी सारी जानकारी, सारी डिटेल्स है, फिर एनपीआर की क्या जरूरत, वो भी इस माहौल में? यही तो जानना है। मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल धन्यवाद कि आप ये सब प्रश्न पूछ रही हैं और मैं उत्तर दे रहा हूं। आप देखिए जो नया प्रारूप आया, क्योंकि आधार को लेजिस्लेटिव बैकिंग दी गई इसीलिए आधार नंबर को वॉलेंटरी किया गया, लेकिन आधार का जो पर्पस है वो बायोमेट्रिक से आइडेंटिफिकेशन है। एनपीआर का क्या मकसद है मैं आपको बताऊं, जो योजनाएं आएंगी आम जनता के हित में वो उस व्यक्ति तक पहुंचे जो लाभार्थी बने और उसके लिए बनी हो, यह सुनिश्चित तभी हो सकता है जब एनपीआर आ जाए, और इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो चाहे एनपीआर हो, यह वो ठोस कदम है कि एक रुपया अगर निकलेगा तो पूरा एक रुपया पहुंचेगा। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं कि एक रुपया निकला तो 10 और 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंच रहे। और जो एनपीआर में हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं रोमाना जी, जो आधार में ली जाती है उससे अलग है, उससे एक्स्ट्रा भी है। तो इसीलिए एनपीआर को अगर आप कहें कि आधार का डेटा है जो कि हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो सर यही तो मैंने सवाल पहले पूछा था, नहीं जोड़ सकते। यही तो मैंने पहले सवाल पूछा था जब आप चले गए थे जवाब देने के लिए बाकी मेहमानों की बात का, मतलब ये जो यूपीए वाला एनपीआर था उससे मोदी सरकार वाला एनपीआर फर्क है, यही सवाल था मेरा गौरव भाटिया, बताइए कुछ। हाँ, जैसे आधार कार्ड वॉलेंट्री हो गया, मोबाइल नंबर, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, मतलब इस तरह से कुछ चीजें हैं जो इसमें डाली गई हैं। सर डेट एंड सर प्लीज क्लैरिफाई, ये आपने बड़ी बात की है, ये आपने बड़ी बात की है क्योंकि अभी तक इसे लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है। गौरव भाटिया, आप एबीपी न्यूज पर ये बता रहे हैं कि डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स, ये देना होगा जानकारी, क्योंकि अभी तक इस पर कहीं से मोहर नहीं लगी है। एक मिनट, एक मिनट प्लीज, ऑफिसर उसको इन्वैलिड कर सकता है। सुन तो लीजिए, पहले उन्हें बोलने तो दीजिए, एक मिनट रुकिए ना। तो गौरव भाटिया प्लीज बताइए, ऐसा नहीं है रोमाना जी। जी गौरव भाटिया प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए सर। मेरे सुनिए, मेरे सामने
बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है देश का, उसके उसमें ये जानकारी है कि ये चीजें नहीं है, तो वही मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं, सर, मीडिया रिपोर्ट्स का तो हमने, सर हम नहीं चला रहे ना, हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं चला रहे ना सर, वो मतलब तो हमने भी सबने पढ़ी है, हमें तो लगा आप प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं तो आप बता रहे होंगे, पुष्टि करेंगे आप इस बात की, आपने भी ऐसे कह दिया अखबार पढ़कर। रोमाना जी, नहीं सर मैं तो आपसे पुष्टि चाह रही थी, आप रोमाना जी मैं तो आपको सुनिए, चेंज जो सबसे बड़ा चेंज, एक मिनट वो बात क्या कर, प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बड़ी बात नहीं कही, सुनिए प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि ये वॉलंटरी बेसिस पे है, जिसको देना होगा वो देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा, कोई प्रमाण चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखानी, तो फिर आपत्ति किस बात पे, कानून कहता है कि एनपीआर होगा वो हो रहा है, इसमें हो हल्ला किस बात का है, ठीक है, आइए मोहम्मद सलीम, विपक्षी पार्टियों से पूछिए, आइए मोहम्मद सलीम, हो हल्ला किस बात को लेकर, सब कुछ वॉलंटरी है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, सर आ रही हूं, एक मिनट मोहम्मद सलीम अपनी बात रख दें, उसके बाद राजीव जी आपके पास ही आऊंगी, आइए मोहम्मद सलीम, एक ये किस पसमंजर में हो रहा है, जब देश के गृह मंत्री हमारे मुंबई फिल्म के विलेन की तरह अगर कहे चून चून करके एक एक को हम बाहर निकालेंगे, दो अरे जब आधार कार्ड बना इस्तेमाल मत तो करिए, यूपीआई का मतलब ये था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल मर्यादित रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, गृह मंत्री का भाषण है, का हिस्सा थे, बिल्कुल गृह मंत्री का भाषण है, देश में घुसपैठिया है, आप लोग दूसरी तरफ देख रहे थे, अरे अरे दूसरे पार्टी का दरवाजा जरूर करिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, डिबेट को डीरेल मत कीजिए सर, हम बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करें, और क्या तमीज से बात करें, रोमाना जी तमीज से इनसे कहिए बात करें, सर दलाल आप होंगे, दलाल गौरव भाटिया, आपके चैनल पे हम आए, ये सब सुन रहे हैं, प्लीज गौरव भाटिया, इन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया आपने सुना सर, उन्होंने ये दलाल शब्द का प्रयोग आपके चैनल पे कर रहे हैं, रोमाना जी अगर इस तरह की भाषा आपको मंजूर है तो मैं नमस्कार बोल रहा हूँ और मैं उठ जाता हूँ, बुरा शब्द है आपके लिए, जैसे लोगों से चर्चा करवा लीजिए, उससे भी बुरा शब्द का प्रयोग करेंगे, गौरव भाटिया जरा सा संयम से, गौरव भाटिया जरा सा संयम से, गौरव भाटिया आप मुझे बोलने देंगे प्लीज, जवाब नहीं दे पा रहे, रोमाना जी आप मुझे बता रही है, तो ये बोला हो मिनिस्टर ने, अमित शाह ने बोला ही है, अमित शाह का स्टेटमेंट है, बेकार की बातें, रोमाना जी मैं आपकी आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, गौरव पहले उनको तमीज सिखाई है, ठीक है आपने आपत्ति दर्ज कर ली, गौरव भाटिया में चर्चा नहीं, गौरव भाटिया अमर्यादित भाषा नहीं बोली गई है, वो गृहमंत्री का बयान बोल रहे हैं, आपने कहा से सुना वो शब्द, जो आपने सुना ये शब्द सर, नहीं बोला किसी ने, रिवाइंड करके सर नहीं बोला है, गौरव का इस्तेमाल किया, गौरव भाटिया नहीं बोला है, अगर मोहम्मद सलीम आपने क्या ये शब्द इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं सुना ये शब्द, मैंने नहीं सुना है वो शब्द, जो बात बार बार गौरव भाटिया दोहरा रहे हैं, मैंने ये शब्द नहीं सुना, गौरव भाटिया ने 10 बार जरूर ये शब्द बोल दिया है, लेकिन मैंने एक बार भी ये शब्द नहीं सुना, माफी मंगवाई, ठीक है सर एक मिनट, चर्चा नहीं करनी, नमस्कार से माफी मंगवाई, गौरव भाटिया आप लोग पर्सनल क्यों हो जाते हैं भाई, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, यहाँ पर देश हित में एक चर्चा होती है, लेकिन आप सबकी पर्सनल ईगो इतनी ज्यादा हो जाती है कि देश से पहले आप लोगों का अपना व्यक्तित्व आगे आ जाता है सर, ईगो इतनी ज्यादा है ना आप लोगों, आप लोगों का पर्सनल एजेंडा सामने आने लगता है सर, सर सुन तो लीजिए उन्होंने क्या कहा, गौरव भाटिया उनको सुनिए तो उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद सलीम प्लीज आइए, जवाब नहीं जवाब दीजिए गौरव भाटिया को, एक मिनट आप तो चुप हो जाइए ना, आप जबरदस्ती बीच में कूद रहे हैं सर, मैं नहीं आता, मोहम्मद सलीम प्लीज आप आइए और आप बताइए क्या ऐसा कोई शब्द आपने बोला, और अगर बोला सर तो प्लीज मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, प्लीज आप बता दीजिए, मैंने नहीं सुना इसलिए मैं नहीं कह सकती बोला गया या नहीं बोला गया, प्लीज आइए मोहम्मद सलीम, मेरी बात को आप सुनने, मेरी बात को आप बोलने दीजिएगा, या गौरव भाटिया सुनने का हक रखते हैं, दम रखते हैं, सुन लीजिए, मैंने गृह मंत्री को कोट किया, अगर आपको शर्म आ रही है तो माफी मांगिए सर, दलाल शब्द नहीं बोला है सर, प्लीज रुकिए तो एक मिनट सर, आपको आना चाहिए दलाली, आप सुन लीजिए, अरे आप कानून में कोरा लग गया सर, शो के बाद सुन लेंगे सर, पहले दलाल तो आप दलाली जो काम करते हैं, जो काम करते हैं उससे अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है प्लीज मोहम्मद सलीम मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आइए, गौरव भाटिया ने जहां पर बात छोड़ी थी कि साहब ये लोग जो हैं जबरदस्ती में मुद्दा बढ़ा रहे हैं, मोहम्मद सलीम गुमराह कर रहे हैं देश को आप लोग एनपीआर पर, हाँ मैंने
अच्छा गुमराह तो ये क्या है ना, जैसे रावण का 10 सर होता था ना, वैसे ये सरकार जो है वो 10 मुंह से बात कर रही है और इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। अभी आप देखो लखनऊ में प्रधानमंत्री आज जो कहे, ये तो लोग ये सुनना चाह रहे थे कि ना उनका जो वादा था जनता की जो समस्या है आधिकारिक रूप से सरकार वो काम करे, आर्थिक ध्यान दे मुद्दे के ऊपर। लेकिन आज क्या हो रहा है लखनऊ में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट चूंकि पोस्ट किया इसलिए उसको रस्टिकेट किया जा रहा है। देसाई जो हमारे मिस्टर देसाई साबरमती आश्रम के सामने वो धरना दे रहे, अकेले एक जन उनको पुलिस पकड़ के लेके चला गया। ये क्या हो रहा है? तो लोकतंत्र के ऊपर जो हमला हो रहा है और धन पेशे के ऊपर जो हमला हो रहा है, संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, एनपीआर जो लोग सड़क पे आए हैं, एनपीआर को लेकर चर्चा थी, एनपीआर को लेकर चर्चा थी। सर समय समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन देखिए कुल मिलाकर लोगों के मन में शंका है, बहुत लोगों के मन में कई तरीके की शंका है जी। अच्छा आप बोल लीजिए, बिल्कुल है, मैं एनपीआर ही बता रहा था इसलिए तो इतना हंगामा हो गया कि एनपीआर जिस पसमंजर में आ रहा है कि जनता सरकार के ऊपर से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर खुद कहे हैं कि हम एनआरसी का यह पहला कदम है, एक आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ है, उसका जवाब नहीं मिला। दो, एनपीआर में जो फॉर्मेट दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू हो गया था सेंसस और एनपीआर के लिए, उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें जो सवालात हैं, जैसे उन्होंने कहा, गौरव भाटिया भी कहे कि आपके पेरेंट का, पिताजी का, माताजी का जन्म स्थान और जन्म का तारीख मालूम किया जाएगा, बेशक दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। जैसे पासपोर्ट के एप्लीकेशन में होता है, पहले आप सेल्फ एक फॉर्म फिलअप कर देते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट लेके आपको प्रमाणित करना पड़ता है। मुझे लगता है राजीव रंजन जी को एक बार ले आना चाहिए। हाँ राजीव रंजन जी, बिल्कुल, गौरव भाटिया ने जिस तरीके से एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र कर दिया यहाँ पर, मुझे लगता है उसको लेकर कंफ्यूजन है। राजीव रंजन जी जो बात कह रहे हैं कि अभी तक ये नहीं पता है कि वो फॉर्म कैसा होगा, परफॉर्मा में क्या सवाल होंगे, मैं फिर से दोहराती हूँ, ये कंफ्यूजन इस वजह से क्योंकि गौरव भाटिया ने कह दिया कि पूछा जाएगा आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या है। फिर बाद में जब मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक लीडिंग अखबार में पढ़कर यह बात कही है। तो देखिए मुझे लगता है कि ऐसा भ्रम हमको नहीं फैलाना चाहिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि एनपीआर पर कंफ्यूजन से अफवाहों को हवा मिलती है, प्रक्रिया में बदलाव समझाकर कंफ्यूजन को दूर करे सरकार। बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।